हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए MPNHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट वन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम 10 दिसंबर को है, तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है, तो ये पार्ट वन है और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर वन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ, मतलब जो आपका लीवर सिरोसिस होता है तो वो दीर्घकालिक यानी ज़्यादा दिनों तक लेने से लीवर आप सिरोसिस आपको हो सकता है। तो ऑप्शन टोबैको चबाना, कोकीन, ओपियम होता है, अफीम और अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन है डी राइट सही है, और अल्कोहल लेने से ज़्यादा दिन तक शराब पीने से आपको सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज़ हो सकती है। और लीवर सिरोसिस ना केवल शराब पीने से बल्कि हेपेटाइटिस बी और सी जैसे वायरस के इन्फेक्शन से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि एड्स कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ये ऑप्शन है, हाँ सबसे पहले देखते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम। ओके, और इसकी रोकथाम के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंडिया में हमारे नेको को बनाया गया था, नेको संस्था जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है समाज में इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करना, जिससे कि लोग इससे जागरूक हो सकें और इस बीमारी से बच सकें। तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ऑप्शन है बाइट ऑफ बेड बग्स सिटिंग ऑन सेम बेंच विद ए पेशेंट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए पेशेंट एंड लास्ट शेकिंग हैंड्स विद ए पेशेंट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए पेशेंट, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है और कोई उससे स्वस्थ व्यक्ति उससे उसका कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो स्वस्थ व्यक्ति वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो ऑप्शन 1 to 2 days, 1 to 2 weeks, 15 to 20 days एंड नेक्स्ट 1 to 6 months। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 1 to 2 days। और इन्फ्लुएंजा कैसे होता है, इन्फ्लुएंजा अगर पूछा जाए कि किससे होता है, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, तो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसको फ्लू भी कहते हैं और इसमें आप सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, द फॉलोइंग इज ए मेजर टू कंट्रोल डेंगू फीवर एपिडेमिक इन एवर लोकेलिटी। तो निम्नलिखित में से डेंगू फीवर को एक महामारी के रूप में आपके मोहल्ले में फैलने से रोकने के लिए क्या नियंत्रण, कौन से उपाय से आप नियंत्रित करेंगे। तो ऑप्शन है वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, नेक्स्ट ड्रिंकिंग ओनली बॉइल्ड वाटर एंड
remove all collections of water from old tires, broken toys, etc. Or next, covering mouth and nose while in public places with a mask. तो इसका ऑप्शन सी सही होगा. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेंगू फीवर कैसे होता है. डेंगू फीवर एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर साफ पानी में अंडे देता है. साफ पानी में उसके लार्वाज होते हैं. तो इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या करें कि इसमें जो दिया, रिमूव ऑल कलेक्शंस ऑफ वाटर फ्रॉम ओल्ड टायर्स, यानी आपके छतों पे या घर में कहीं भी ओल्ड टायर्स या कोई खिलौने या नारियल के कोल हैं जमा और उसमें पानी, तो आप उस पानी को निकाल दीजिए, और जिससे कि उसमें वो अपने अंडे मच्छर ना दे सकें. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमारा है, द फॉलोइंग इज एन एडवाइस गिवन टू एन एंटीनेटल वूमन. डू नॉट, आप एक महिला को जो कि प्रेग्नेंट है, और उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे. तो इसमें ऑप्शन है, डू नॉट वियर कॉटन गारमेंट्स, डू नॉट ईट फ्रूट्स इन अर्ली प्रेगनेंसी, एंड डू नॉट टेक विटामिन सप्लीमेंट्स, एंड लास्ट डू नॉट टेक ओवर द काउंटर मेडिसिन. तो डू नॉट, ये इसका ऑप्शन डी सही होगा, डू नॉट टेक ओवर द काउंटर मेडिसिन. यानी कि जब भी दवाइयाँ ले तो डॉक्टर्स के एडवाइस और प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ले. ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही खुद से आप कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन लें. एंड नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. तो निम्नलिखित में से ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग विल नॉट हेल्प इन वेट गेन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी. और सेकेंड, इफ ए बेबी डेवलप्स डायरिया, ब्रेस्ट फीडिंग मे बी स्टॉप्ड टेम्परेली. नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड 2 hours after normal delivery. And next है, breast feeding promotes bonding between mother and baby. तो इसका option D सही है, breast feeding promotes bonding between mother and baby. जैसा कि सभी आप जानते हो कि जो breast feeding किसी भी बच्चे के लिए बहुत important होता है, और माँ का दूध बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है. और जो एक मदर और बेबी के बीच में एक क्या कहते हैं, एक आत्मीयता और जो एक म्यूचुअल एक जो एक लगाव होता है वो क्या होता है, तो उसको प्रमोट करता है. ओके, प्रमोट्स बॉन्डिंग मदर एंड बेबी. तो इसका डी ऑप्शन है. और जो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को दूध दिया जाता है, माँ का दूध जो, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं. एंड नेक्स्ट हमारा है, मेकोनियम इज, मेकोनियम क्या है. ऑप्शन, ब्लड इन यूरिन, फर्स्ट स्टूल ऑफ ए न्यू बॉर्न, फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन, बेस्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी, एंड फोर्थ, डिस्चार्ज फ्राम यूट्रस आफ्टर डिलीवरी. तो इसका ऑप्शन ए सही है, सॉरी, इसका ऑप्शन बी सही है, मेकोनियम इज फर्स्ट स्टूल ऑफ ए न्यूबॉर्न. इसका बी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट हमारा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन विल नॉट प्रोटेक्ट ए बेबी अगेंस्ट द फॉलोइंग डिजीज. तो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो किन बीमारियों से प्रोटेक्ट बच्चे को नहीं करेगी. तो यानी कि जो चार इसमें ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन सही है और 1 गलत है. यानी आपको 1 गलत ऑप्शन बताना है. तो ऑप्शंस, हेपेटाइटिस, पर्टूसिस, पोलियो एंड डिप्थीरिया. तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा पोलियो, क्योंकि पेंटा में पोलियो इंक्लूड नहीं होता है, और इसमें हेपेटाइटिस, पर्टूसिस और डिप्थीरिया इंक्लूड होता है.
नेक्स्ट हमारा है रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन गिविंग बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर एन एडल्टिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ओके तो फ्रेंड्स ये है आपका एमपी एनएचएम क्वेश्चन आंसर्स सीएचओ का इम्पोर्टेंट सीरीज का पार्ट वन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हमारा ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू वुमेन विद। तो ओरल पिल्स जो होती हैं वो वुमेंस को कौन सी प्रॉब्लम हो तो नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शंस ये आपका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड हाइपरटेंशन एंड नेक्स्ट अस्थमा एंड डी वेजिनल इन्फेक्शन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन हाइपरटेंशन है, यानी कि अगर हाइपरटेंशन हो तो ओरल पिल्स नहीं देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस रेडिश डिसकलरेशन ऑफ यूरिन। तो इसके ऑप्शन है आयोनाइज्ड और पीएस एंड रिफेम्सिन और एथेम बुटोल। तो इसमें क्या है? सी ऑप्शन सही है, रिफेम्सिन। रिफेम्सिन ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है द मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स विद लीवर डिजीजेस। ऑप्शंस आपके हैं रिकोरोनियम एंड पेंक्यूरोनियम एंड एट्राक्यूरियम एंड डी ट्यूबो क्यूरेरियम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एट्राक्यूरियम। एंड नेक्स्ट हमारा है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्लीचिंग पाउडर इज। ऑप्शन ए एफ लोशन, मैक सल्फ सॉल्यूशन एंड मर्क्यूरोक्रोम सॉल्यूशन और यूशुअल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मैक सल्फ सॉल्यूशन इज बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है बाइल इज सेक्रेटेड बाई। बाइल यानी पित्त कहाँ से सेक्रेट होता है? तो ये लीवर सेल्स, हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर। तो ये होता है लीवर सेल्स, ये ऑप्शन इज राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है द मोड ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस डिजीज। तो ह्यूमन से एक मनुष्य से मनुष्य में इस वायरस इबोला वायरस कैसे ट्रांसफर होता है? तो इसके ऑप्शन एयरबॉर्न, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वेक्टर बॉर्न एंड वाटर, यानी हवा के द्वारा या किसी कीट के द्वारा या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या वाटर। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ये ट्रांसमिट होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।